गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों ने जो है वो ये रिक्वेस्ट किया कि सर अभी एग्जाम का समय है, थोड़ा सा हमको है ना मेंटल पीस के लिए हमको थोड़ा बता दीजिए कि हम क्या मेडिटेशन कर लें हम, जिससे कि हमको थोड़ा सा जो है वो रिजुविनेट फील हो, मतलब फ्रेशनेस फील हो हमको। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं कई बार हम, और कई बार है ना पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि अब और आगे नहीं पढ़ पाएंगे, और मन में नेगेटिव विचार भी आ रहे होते हैं क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास ही आ गया हमारे, मतलब आज तारीख कितनी, आज आपकी जो है वो 20 अप्रैल है, ठीक है। तो हम क्या करें सर, कि आप हमको बताओ ना कि कैसे मेंटली हम काम रह सकें, हम जो है वो ठंडे दिमाग से हम जो है पढ़ते रहें बगैर घबराए पढ़ते रहें, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो में जो लास्ट में आता है ना रिकमेंडेड वीडियो, लास्ट में जो आता है आपका जब वीडियो खत्म होता है, तो मैं कुछ मेडिटेशन जो है वो उसके वीडियो के लिंक डाल देता हूँ उसमें। तो एक दो तो मेरा खुद का ही है जो आप कर देखोगे, बहुत अच्छा हट के, मतलब आप ट्राई कीजिएगा। उसमें क्वाइन मेडिटेशन है, इसे एक दो मैंने मेडिटेशन करवाए हुए हैं, वो देखिएगा। हालांकि आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन दी मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन में कोई एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, तो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके भी लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको मैं, ठीक है ना, या कम्युनिटी पोस्ट पर मैं शेयर कर दूंगा। तो एक तो दिन में जब आप पढ़ते हो ना, तो दिन में आपको थोड़ा सा जैसे पढ़ते पढ़ते कुछ घंटा गुजर गया ना, 10 मिनट के लिए जो है वो एक बड़ा अच्छा वीडियो है, मैं उसका भी लिंक आपको शेयर करूंगा। तो वो आप योग निंद्रा जो है, योग निंद्रा इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि आप 10 मिनट में एक प्रकार से मेंटल पीस कर आप जो है वो सो सकें 10 मिनट्स के लिए। तो मतलब सोने का मतलब नहीं, सोने का मतलब आप जागृत रहते हैं लेकिन ब्रेन आपका रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद आप देखना बहुत अच्छी एनर्जी, एक अच्छा एनर्जी फील होता है। बाकी मैं अपने मेडिटेशन को जो है वो उसके बाद में जो लिंक दे रखा होता है वीडियो का, उसमें प्रोवाइड आपको मैं कर दूंगा। कर देखिएगा उसको आप, ठीक है, फायदा मिलेगा आपको। अब रही बात की कुछ बच्चों ने कहा सर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सेशन कब लेंगे आप, अब तो एग्जाम पास आ गया है। देखो एक दो दिन में बेटा मैं सेशन आपका लेता हूँ, लेकिन मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं उसको सेशन को लेने के पहले मैं बहुत मुझे डिटेल स्टडी करनी पड़ती है पिछले 5-7 साल के पेपर की, उसके बाद ट्रेंड की, फिर एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने की कोशिश करनी पड़ती है। तो मैं जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन वाला, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाला सेशन जो लेता हूँ मैं, वो मैं व्यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं लेता हूँ कि मुझे कोई व्यू मिलेगा, ये कोई अट्रैक्टिव थंबनेल लगा दूंगा, कुछ व्यू मिलेंगे, उसके लिए मैं सेशन नहीं लेता हूँ। बच्चों को वास्तव में फ़ायदा मिले उसके लिए सेशन लेता हूँ, पिछले 2 साल से ले रहा हूँ मैं, और बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ उससे। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत होमवर्क करना पड़ता है, यदि मैं होमवर्क किए बगैर लूंगा तो वो फिर काम नहीं आएगा वो, ठीक है। इसलिए एक दिन का टाइम मुझे और दे दो, एक या दो दिन का टाइम मुझे और दे दो, तो मैं आपको बता दूँ। बाकी आप पढ़ तो सब कुछ रहे हो ना अच्छे से, तो मैं बता दूंगा आपको ये बेटा ये हिस्सा इस बार आ सकता है, तो उसको अच्छे से पढ़ जाना है इसको, ठीक है ना, मतलब याद रखना बस इसको। तो ऐसा भी नहीं कि मैं आपको 1000-2000 जगह पे आपको बता दूं मैं, तो ऐसा भी नहीं कि मैं आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन ही बताऊंगा और वहीं से सब कुछ आएगा, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, कि मैं पूरी बुक बता दूं वो भी कोई काम का नहीं है। मैं आपको 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन बता दूं और सब उसी में से जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, फिर तो पेपर लीक कर दिया मैंने, तो वो पॉसिबल नहीं है। बेसिकली दीज आर द इंटेलिजेंट गेसेस, बुद्धिमत्तापूर्वक एनालिसिस कर उसके गेसेस हैं, जो गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, जो गलत भी हो सकते हैं, मैं क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ, कि मतलब मैं कोई फर्जी या फालतू दावा नहीं करता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि वो मैं लूंगा बेटा आपके अभी, लेकिन इस समय आपको दिमागी तौर पे शांत रहने की आवश्यकता है। इस समय एग्जाम के ठीक पहले यदि आप जो अपने आप को तनाव में रखेंगे ना, तो आपकी क्षमताओं पर असर पड़ेगा, ब्रेन के लिए स्ट्रेस जो हार्मोन का लेवल है बदल जाएगा। तो ब्रेन इस समय क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका फोकस करने के बजाय वो आपको स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट जो आप कर रहे हो उसके कारण ब्रेन जो है आपको नींद की तरफ लेकर जाएगा। ब्रेन आपको जो है वो डिटेच करेगा, मतलब वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा जो चीज़ें आपको आपके मन को अच्छी लगती हैं। और ये समय मन का नहीं है, ये समय मन लगाकर पढ़ने का है, एंड मन के अनुसार चलने का समय नहीं है, ये समय मन लगाकर पढ़ने का समय है, ठीक है। क्योंकि लास्ट के 15 दिन सब कुछ डिसाइड करते हैं, जो साल भर अच्छा पढ़ता है लास्ट के 15 दिन में बिखर गया तो बिखर जाता है एग्जाम में जाके, मतलब परफॉर्मेंस में इतना ड्रॉप आता है कि 50-100 नंबर कम हो जाते हैं। और जो लास्ट के 15 दिन अच्छे से पढ़ गया, जिसका एवरेज परफॉर्मेंस था, वो मेरिट में पहुंच जाता है। तो आखिरी के 15 दिन बड़ा मायने रखाते हैं। बार 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 जब चीजों को आप रिवाइज करते हो, तो हर बार रिवीजन में पहले से टाइम कम लगता है, तो इसलिए मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़िए, स्पेशली इन बायोलॉजी,
ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन है सर ओमिटेड पोर्शन का क्या होगा। अरे भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं ओमिटेड, ये दिमाग में रखो मत, ठीक है ना। पॉइंट ये है कि अभी तक एनटीए का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, एनटीए के सिलेबस में सब कुछ शामिल था, इसलिए ओमिटेड पोर्शन के फेयर में मत पड़िएगा। और जो लोग नीट 2024 और 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं क्लियर कर दूं कि आपकी एनसीईआरटी से कई पोर्शन हटा दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा नहीं आएंगे। एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ लिखा हुआ रैशनलाइज सिलेबस कोविड 19 के कारण। एक्चुअली कारण यह है कि ये बुक आनी थी 2 साल पहले, ये छपने प्रिंटिंग प्रेस में छप नहीं पाई, अब छप गई है तो मार्केट में निकाल दी उन्होंने बुक को, तो अभी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है। मैं कह रहा हूं आपसे अगले 6 महीने में जो है पूरी एनसीईआरटी रीइंस्टेट करेंगे ये लोग, अगले 6 महीने में कोई बड़े डिसीजन सामने आएंगे और वैसे में फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो भी लोग कंफर्ट ढूंढ रहे हैं ना वो मत खेलो, ये आसान गेम हमेशा खतरनाक होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग नई एनसीईआरटी फॉलो नहीं करेंगे, नई एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, सब डिलीटेड पोर्शन है उसमें। लेकिन यदि आपको और आपके से स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, ठीक है, उन्होंने ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम और फ्रॉग दे रखा है, बस ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम और फ्रॉग, तो क्या आप ऑर्गन को बगैर टिश्यू को जाने पड़ सकते हो? क्या कोई भी फिजियोलॉजी का हिस्सा आप बगैर इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू को जाने बगैर पढ़ सकते हो? यदि आपको न्यूरल टिश्यू ही नहीं मालूम है तो आप क्या पढ़ोगे आगे जाके, बताओ मेरे को, तो टिश्यू तो पढ़ाना ही पड़ेगा आपको, है ना। दूसरी बात यह कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में से गायब है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर गायब है ह्यूमन फिजियोलॉजी में से। अब ये बताओ मेरे को कि क्या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर गायब होने से, मैं ये मान सकता हूं कि बहुत डिटेल में क्वेश्चन, मान लो ऐसा ही कंडीशन रहा तो क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन उस पर नहीं आएगा, पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन उस पर आ जाए, क्योंकि आप जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे तो वहां पे आप कई गैस्ट्रिक वाले हार्मोन की बात करेंगे आप, ठीक है। आप जब जो है वो पेंक्रास की बात करोगे तो पेंक्रास है क्या, किस तरह का है, क्या क्या एक्सोक्राइन पार्ट है, वो भी जानना होगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि कोई हिस्सा एकदम ही गायब हो गया। अब आप बोलते हो मिनरल न्यूट्रिशन गायब है, तो भाई मिनरल न्यूट्रिशन के इंटरनल डिटेल्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जो है उनके रोल चाहे फोटोसिंथेसिस में हो चाहे एंजाइम मैकेनिज्म हो वो तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मतलब ये मत सोचो सारा कोर्स बायोलॉजी का इंटीग्रेटेड है, उसमें से कोई हिस्सा हटा देना जो है वो उससे उसका कोर कॉन्टेंट गायब नहीं हो जाता है। इसलिए जो भी नेशनल लेवल के बड़े इंस्टीट्यूट है वो सारा कुछ पढ़ा रहे हैं, वो ये बताते हुए कि बेटा ये ओमिटेड है, लेकिन अभी सेफर साइड कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं है एनटी की तरफ से, कोई भी गाइडलाइन नेशनल मेडिकल बोर्ड से नहीं आई है, तो कोई कन्फ्यूजन दिमाग में मत रखिएगा। बार बार समझा रहा हूं मैं कि पता चला कि हम जो है वो कंफर्ट जोन में आने के चक्कर में अपनी खेल लगा लिए हमने 1-2 साल के, ठीक है, तो उससे बेहतर है कि थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बायोमेंटर्स ऐसा ही है, तुमको जो है तुमको मार्केट नहीं समझते, तुमको सिलेक्शन के लिए जो है वो योग्य विद्यार्थी बनाना है, वो कमांडो बनाना है, इसके लिए हम मेहनत करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो बात हो गई अपने एग्जाम के बारे में, मैंने आपको शायद पहले कभी बताया हो या नहीं बताया, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट मैं पहले पढ़ता हूँ। ये मेरी बड़ी फेमस बुक है सैपियंस, इस सैपियंस बुक का मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाता हूँ और ये बहुत अच्छी, इससे हम एक कंक्लूजन निकालेंगे चीज से। रसायन शास्त्रियों ने 1820 के दशक में ही एल्यूमिनियम का पता लगा लिया था, किसकी बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, और एल्यूमिनियम कब पता लगाया गया था, 1820 में। रसायन शास्त्रियों ने 1820 के दशक में ही एल्यूमिनियम का पता लगा लिया था, लेकिन इसके अयस्क मतलब ओर से धातु को निकालना बेहिंतहा मुश्किल और महंगा था, मतलब एल्यूमिनियम के ओर से एल्यूमिनियम को निकालना बहुत मुश्किल काम था और बहुत महंगा काम था। दशकों तक मतलब कई डिकेड तक एल्युमिनियम सोने के मुकाबले बहुत महंगा हुआ करता था, मतलब एल्युमिनियम मच मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड, यानी गोल्ड की कीमत कम थी, एल्युमिनियम की कीमत बहुत अधिक थी। दशकों तक एल्युमिनियम सोने के मुकाबले बहुत महंगा हुआ करता था। 1860 में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन III ने अपने अत्यंत विशिष्ट मेहमानों की दावत में इस्तेमाल किए जाने के लिए एल्युमिनियम के विशेष छुरी काटे तैयार करवाए थे, मतलब फ्रांस के सम्राट नेपोलियन III थे, उन्होंने 1860 में जो है बहुत वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, उनको खाना खिलाने के लिए एल्युमिनियम के छुरी काटे तैयार करवाए थे उन्होंने। लेकिन 19वीं सदी के अंत में रसायन शास्त्रियों ने सस्ते ढंग से एल्युमिनियम के अयस्क से एल्युमिनियम की विपुल मात्रा निकालने का तरीका ढूंढ निकाला। 19 सेंचुरी के लास्ट तक जो रसायन शास्त्री थे उन्होंने एल्युमिनियम के ओर से बड़ी मात्रा में एल्युमिनियम को निकालने का तरीका खोज निकाला, और आज एल्युमिनियम का वैश्विक उत्पादन सालाना
300 लाख टन से ऊपर है, कितना, 300 लाख टन से ऊपर है। नेपोलियन थर्ड को यह सुनकर आज आश्चर्य होता है, यदि वो जिंदा होते नेपोलियन थर्ड को यह सुनकर आश्चर्य होता कि उनकी प्रजा के वंशज सैंडविचों को लपेटने और उनकी झूठन को फेंकने के लिए सस्ती डिस्पोजेबल एल्युमिनियम शीट का इस्तेमाल करते हैं। आज खाना पैक करते हैं अपन एल्युमिनियम फाइल इस्तेमाल करते हैं, तो आज एल्युमिनियम फाइल बड़ा कॉमन है। आप होटल जाओ, कहीं जाओ तो एल्युमिनियम की फाइल में पैक कर देते हो और उसको खाना खा के कचरे में डाल देते हो उसको। तो सोचिए पॉइंट क्या है, पॉइंट यह है कि वही एल्युमिनियम एक जमाने में सोने से महंगा हुआ करता था। और जो लिखा है इसमें दावत में, नेपोलियन थर्ड की दावत में शामिल कम महत्वपूर्ण लोगों को सोने के छुरी चम्मचों से काम चलाना पड़ा था। मतलब जो लोग नेपोलियन थर्ड की दावत में आए थे, वीवीआईपी थे, उनको एल्युमिनियम की छुरी काटे दिए गए। जो कम कम इंपॉर्टेंट लोग थे उनको सोने के छुरी काटे दिए गए। मतलब एक जमाने में एल्युमिनियम की वैल्यू उतनी ऊपर थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही जो है उसका उसके बारे में मालूम चला कि भाई और मिल सकता है तो उसकी वैल्यू डाउन हो गई। मतलब पूरा जो दुनिया है वो डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जिन चीजों को आज हम मूल्यवान समझते हैं, क्या वो चीजें वास्तव में उतनी मूल्यवान है? तो याद रखिए, जैसे हम कुछ चीजें ऐसी है जो हमेशा मूल्यवान रहेंगी, उनके अंदर इंटरनल वैल्यू होती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ मिलता नहीं है, कोतूहल होता है, हमारी क्यूरियोसिटी होती है, तो हम उस चीज की वैल्यू बढ़ा देते हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दो पठान मूवी का। मैंने हाल ही में जो है पठान फिल्म को देखा, मैंने कुछ दिन पहले टीवी पे आया हुआ था, अमेजॉन प्राइम पे किस पे आया हुआ था, तो मैंने घर में शाम के 2-3 दिन तक लगातार रात को आधा आधा घंटा एक एक घंटा करके देखा, तो वो मूवी देख पाया मैं। मुझे उस मूवी में ऐसा कुछ नहीं लगा जो मूवी में को बहुत, मतलब मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगा पठान मूवी की क्या कंट्रोवर्सी थी, उस सब में मुझको नहीं पढ़ना है, पर ओवरऑल मूवी का कंटेंट जो है बहुत ही कमजोर कंटेंट था। सब जोड़ जाड़ के ऐसी, मतलब एक प्रकार से बना फिलर मूवी थी। शाहरुख खान ने बहुत अच्छी मूवीज बनाई हैं पहले, रावण लोग कहते हैं फ्लॉप मूवी, पर मैं कहता हूं देखो आप, बहुत अच्छी मूवी रावण। शाहरुख खान की कई मूवी जो है वो बहुत ही अच्छी मूवी है, लेकिन वो उतनी नहीं चली, और जो एकदम काम चलाऊ टाइप की मूवी थी वो अच्छी चल गई। तो कई बार जीवन में क्या होता, सफलता और असफलता जो है ना वो रियल टाइम एसेंस या असली कंटेंट पर डिपेंड नहीं करती, वो कई बार वो फेक भी होती हैं, लेकिन वो लंबा नहीं चलता, वो उसका तलस्म टूट जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि मैं अपने आप को कैसा प्रेजेंट करता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे अंदर वैल्यू कितनी है, मैं जब कोई मुझे नहीं देख रहा होता है तब मैं कैसा व्यवहार करता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो जो इंटरनल वैल्यूज है ना उनका बड़ा मूल्य होता है। बाहर से असाइन की गई वैल्यू कभी भी छिन सकती है। एल्युमिनियम की वैल्यू बाहर से असाइन की गई थी, एल्युमिनियम कम निकल पा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कैसे मिलेगा, तो एल्युमिनियम की वैल्यू शुरू में बढ़ गई, बाद में ऐसे ज्यादा मिलने लगा वैल्यू कम हो गई, पर गोल्ड शुरू से रेयर था तो गोल्ड की वैल्यू हमेशा वैसी की वैसी रही। तो आपके साथ सिंपल सी बात है कि आप जब लोगों को बहुत आसानी से सुलभ उपलब्ध होंगे, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि लोगों से ना मिले आप, मैं बोलता हूं कम से कम अपना मूल्य बनाए रखें, कम से कम अपनी इंटरनल वैल्यूज को समझें, अपने उसूलों को दूसरों के प्रभाव में आकर चेंज ना करें। आपके जो उसूल हैं वो हमेशा रहना चाहिए आपके साथ में। तो हमेशा आंतरिक मूल्य पर वजन दीजिए, हमेशा अपने इंटरनल वैल्यूज पर फोकस कीजिए, ना कि बाहर से असाइन की गई वैल्यू, क्योंकि बाहर की चीजें बदलती हैं तो आपकी वैल्यू बदल जाएगी, और आपकी वैल्यू सोने के समान रहना चाहिए, हमेशा वैल्यू है। आई बात समझ में? चलिए आज इतना ही ज्ञान, मिलते हैं कल दोबारा। और मैं यही बोलूंगा आपसे कि आप सभी लोग अभी घबराए बगैर पढ़ाई कीजिए बेटा, और जो है सब अच्छा होगा, ठीक है। ये अपने ब्रेन को सिग्नल दीजिए कि यूनिवर्स इज विथ अस, आप तुम पढ़ोगे वही एग्जाम में आएगा, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ऑल द बेस्ट।